बड़े बड़े सीरियल बकरे दिख रहे हैं, सीरियल या लोकल दिख रहे हैं। ईद की तैयारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीबी बीस और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई अभी मैं फाहस के पास हूँ खतर में, फाहस क्योंकि मेरा आज कार रिन्यूअल है, कार का इस्तेमारा है, ईयरली वंस होता है ये फाहस जो है। और जो फाहस एक स्टेशन है खतर का, गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग कार का इंस्पेक्शन करते हैं, आपका मैकेनिकल थिंग इलेक्ट्रिकल थिंग पूरा चेक करके आपको सर्टिफाइड करते हैं दिस इज़ गुड फॉर राइड ऑन द रोड्स। तो अभी उसका मेरा इंस्पेक्शन है, अभी आया हूँ आपको दिखाता हूँ इसका प्रोसेस। आप देख सकते होंगे मेरे आगे कार खड़े हैं, ये पूरे इंस्पेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। उधर से एंट्री करना है, उधर से एंट्री करके इधर क्यू में खड़ना है, पूरा सिस्टमेटिक है। और इधर आने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करना है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आपको आना है आपका कार के इंस्पेक्शन के लिए। और इधर आपको अपना अपॉइंटमेंट या दिखाना है, आपको टिकट देंगे। देखते हैं इसको क्या प्रोसेस है, मेरा भी पहला इंस्पेक्शन है, देखते हैं इसका क्या एक्सपीरियंस है। भाई अभी काउंटर के पास, फर्स्ट काउंटर के पास खड़ा था, इन्होंने कार का इस्तेमारा पूछा है, कार का इस्तेमारा जो है जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो चेक कर रहे हैं, वो चेक करने के बाद फिर इधर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। भाई आपको अगर इधर अपॉइंटमेंट लेना है तो खुद का एप्लीकेशन है डाउनलोड करिए, उसमें फाहस में जाइए और फाहस के अंदर आपका डेट और टाइम डाल के स्लॉट डाल के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप इंस्पेक्शन का, बहुत ईजी है वो। जो आपका अपॉइंटमेंट है उसी टाइम में आइए, अगर जल्दी आ गए तो भी इधर अलो नहीं करे आपको भगा दे रहे। तो जो आपका टाइम है स्लॉट टाइम उसमें आइए, कार वॉश करा के आइए, और कुछ भी अगर हेडलाइट या कुछ इंडिकेटर वर्क नहीं होता तो उसको रेडी करा के आइए। और दूसरा सब देखते हैं अगर क्या कमेंट आता है, देखते हैं इंशाल्लाह। अगर मेरा एक थोड़ा बम्पर सामने फटा हुआ है, पता नहीं उसको कमेंट डालेगा नहीं, देखते हैं। अगर कमेंट डाल दिया तो उसको फिर रिपेयर करा के आना पड़ेगा, देखता हूँ क्या होता है इंशाल्लाह, देखते हैं। दुआ करिए इंस्पेक्शन पास हो जाए। ये देखिए अभी इनका स्टेज वन चल रहा है, वो स्मोक टेस्ट कर रहे हैं ये कार का, स्मोक टेस्ट होने के बाद फिर आगे जाते हैं। तो एक्सटिंग्विशर की वजह से मेरा इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो गया, अभी वो बोल रहा है ये हाई प्रेशराइज्ड है, ये लाइन रेड में आ गया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको जाते हैं नया एक्सटिंग्विशर खरीदेंगे, फिर उसको अप्रूव कराते हैं। और कोई कमेंट नहीं आया, इंस्पेक्शन ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक ही कमेंट आया कि एक्सटिंग्विशर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको जाते हैं फिर एक्सटिंग्विशर चेंज करा के नया लेके फिर इसको इंस्पेक्शन अप्रूव कराएंगे। भाई साहब नया एक्सटिंग्विशर लेना पड़ा, ये देखिए मेरा नया एक्सटिंग्विशर ले लिया हूँ क्योंकि मेरा इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो गया। अभी जाते हैं फिर इसको एक्सटिंग्विशर दिखा के इंस्पेक्शन अप्रूव कराते हैं, फिर आपको बताते हैं अगला स्टेप क्या होता है। जी भाई जैसे ही मेरे जो सामने कार थी उसका ख़त्म हो गया, मेरा नेक्स्ट टर्न था, जैसे ही मैं गया मेरा वो भी इस्तेमारा लिया और बिल कलेक्ट किया। बिल कलेक्ट करने के बाद वो स्मोक टेस्ट करता है पीछे, एक जो एग्जॉस्ट है ना उसमें चेक करके, वो PPM चेक करते हैं विद इन द लिमिट्स है नहीं है। वो होने के बाद एक्सटिंग्विशर चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें फेल हो गया, मेरा एक्सटिंग्विशर नहीं मिला, मैं ढूंढा इधर उधर मगर लास्ट में सीट के नीचे मिला वो, क्योंकि बजाय पता नहीं था कि एक्सटिंग्विशर चेक करते हैं इधर भी। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एक्सटिंग्विशर चेक कर लीजिए, आप एक्सटिंग्विशर उधर जो डैशबोर्ड है ना ये डैशबोर्ड में इधर प्लेस करना है, और मेरा सीट के अंदर चला गया था। जो एक्सटिंग्विशर दिखाया था वो तो ओके बोला, उधर कुछ नहीं बोला। वो जो रेटिंग है ना वो जो ग्रीन और रेड में, मेरा लाइन रेड में चला गया था मगर उधर कुछ भी नहीं बोला, वो बोला आगे जाओ। जैसे मैं आगे गया वो दूसरा टेस्ट हुआ, वो दूसरा एक कार आपके अंदर बैठता है ड्राइवर, वो जाके मैकेनिकल आपका सस्पेंशन चेक करता है, फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन चेक करके। और थर्ड इंस्पेक्शन जो वो सेकेंड है, सेकेंड भी हो गया। सेकेंड होने के बाद जैसे थर्ड में गए वो नीचे से आके आपका इंजन वो क्या चेक करता है नहीं मालूम, नीचे से चेक करता है। वो थर्ड होने के बाद बस हो गया, बस आपको जाओ बोलता है, बाहर आ जाना है। बाहर आके आपको मैसेज आया तो चेक योर रिपोर्ट ऑनलाइन, तो वो लिंक है, वो लिंक में जाके जब मेरा कार नंबर और मेरा QID नंबर जाके दब डाला तो उसमें रिजेक्ट दिखा दिया। तो मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया, क्या कमेंट आएगा, क्या मेजर कमेंट है माइनर कमेंट है। तो कमेंट पड़ा तो उसमें बोल रहा है एक्सटिंग्विशर मिसिंग, हालांकि मैं एक्सटिंग्विशर उसको दिखाया मगर शायद वो हाई प्रेशर के वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो उसको पूछा मैं जाके तो उसको क्या करना है, सेम पर्सन जो फर्स्ट वाला पर्सन था उसके पास जाके वो बोला जाके एक्सटिंग्विशर खरीदो एक नया, एक्सटिंग्विशर मैं एक नया ख़रीदा। ये देखिए ये मेरा नया एक्सटिंग्विशर है, ये वाला, इसका कॉस्ट 55 रियाल है। इधर ही फाहस के पास एक ऑफिस है,
ऑफिस के अंदर आप जाके एक्सटिंग्विशर खरीद के, फिर उधर एक सुपरवाइज़र का रूम है, सुपरवाइज़र के पास जाने के बाद वो एक्सटिंग्विशर देखा और कार नंबर और डाला तो वो अप्रूव कर दिया, फिर मैसेज आया योर इंस्पेक्शन इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको इंश्योरेंस पे करना है। आप विद इन मिनट, एक मिनट या दो मिनट के अंदर जाके ऑनलाइन में आपका कार नंबर, QID नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद इमीडिएट आपको दो मिनट के अंदर इंश्योरेंस आपका हो जाएगा, आपके ईमेल में आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो फिर थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इस्तेमारा कलेक्ट करना है आपका कार्ड, वो जो इम्पोर्टेंट है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये लेना है आपको। तो उधर ही इधर ही फायस के पास हुई ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जाके आपको टोकन लीजिए, आपका अपॉइंटमेंट आएगा, जब बुलाते आपको आपका पुराना इस्तेमारा दीजिए, QID दीजिए और 100 रियाल पे करना है उनको। ठीक है, आप जैसे 100 रियाल पे करते आपको दो मिनट में वो भी आपको इस्तेमारा दे देते, तो खलास आपका ये कार का जो एनुअल जो रजिस्ट्रेशन है और टेक्निकल मेंटेनेंस है, रिन्यूअल है, ये हो गया, ख़त्म हो गया, इसको इस्तेमारा रिन्यूअल बोलते हैं इधर। और इंश्योरेंस का जो फीस है, मैं थर्ड पार्टी लिया हूँ, इसका 400 रियाल है कॉस्ट, और फाहस का जो कॉस्ट है 150 है। तो टोटल कॉस्ट आपको समराइज कर देता हूँ। पहला कॉस्ट है आपका फाहस जो इंस्पेक्शन है 150 रियाल, अगर आपका एक्सटिंग्विशर कुछ मिसिंग है तो उधर 55 रियाल चार्ज करेंगे इसके लिए। फिर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है तो 400 रियाल प्लस इस्तेमार का 100 रियाल। सो टोटल इतना कॉस्ट आता है आपका कार रिन्यूअल करने के लिए। तो बस ये आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो कार रिन्यूअल का मेथड कैसा है, बहुत इजी है, आप ऑनलाइन लेके अपॉइंटमेंट आके आराम से इधर शायद एक दो घंटे में पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दुआओं में याद रखिए।